तो ब्लड सेल्स के हवाले से हम बात कर रहे थे कि बेसिकली ये स्टेम सेल्स से डिफरेंशिएट होके बनते हैं तीनों टाइप के जो ब्लड सेल्स हैं, व्हाइट ब्लड सेल्स, रेड ब्लड सेल्स और फिर जो बाकी प्लेटलेट्स वगैरह हैं उनकी भी बात हम साथ करेंगे। बेसिकली ये तीन टाइप्स हैं ब्लड सेल्स की, एरिथ्रोसाइट्स रेड ब्लड सेल्स, इसके अलावा लीकोसाइट्स व्हाइट ब्लड सेल्स और थ्रोम्बोसाइट्स जिन्हें हम प्लेटलेट्स भी कहते हैं। इनका कंपैरिजन एक टेबल दिया हुआ है, इसी को आपने कंपैरिजन टेबल को याद रखना है रिलेट करके अपनी बुक टेक्स्ट बुक से, कि रेड ब्लड सेल्स को रेड हीमोग्लोबिन पिगमेंट की वजह से रेड कहा जाता है, अदरवाइज व्हाइट ब्लड सेल्स या थ्रोम्बोसाइट्स ये कलरलेस होते हैं, प्लेटलेट्स भी और व्हाइट ब्लड सेल्स। फॉर्मेशन अगर देखी जाए तो एरिथ्रोसाइट्स की फॉर्मेशन हो रही है लिवर एंड स्प्लीन में एट द टाइम ऑफ एम्ब्रियो, लेकिन मेच्योर स्टेज पे ये शॉर्टर बोन्स जैसे स्टर्नम या रिब्स वहां पे बन रहे होंगे। व्हाइट ब्लड सेल्स ये रेड बोन मैरो में बनते हैं और कुछ जाके लिम्फ में जो है वो मेच्योर हो रहे होते हैं। थ्रोम्बोसाइट्स दे आर ऑल्सो फॉर्म इन द रेड बोन मैरो। साइज जो है वो इन सेल्स का यानी डायमीटर इनका डिस्कस किया गया है, एरिथ्रोसाइट्स का डायमीटर होता है 8 माइक्रोमीटर, जबकि व्हाइट ब्लड सेल्स ये 16 to 24 लार्जर देन रेड ब्लड सेल्स। प्लेटलेट्स ये फ्रेगमेंट्स हैं रेड ब्लड सेल्स से स्मॉलर होंगे। शेप बाइकनकेव है रेड ब्लड सेल्स की। ये जो व्हाइट ब्लड सेल्स हैं इनको आप पॉलीमॉर्फिक मतलब मल्टीपल शेप्स में ऑब्जर्व करेंगे, इनकी शेप्स वेरी करेंगे एक दूसरे से। अभी नेक्स्ट व्हाइट ब्लड सेल्स के हवाले से डिस्कशन होगी अलग से। जबकि थ्रोम्बोसाइट्स ये प्लेट लाइक नजर आते हैं या फ्रेगमेंट्स हैं ये कुछ। नंबर पर मिलीमीटर ऑफ ब्लड, अगर ब्लड का पर मिलीमीटर क्यूब, एक क्यूब जो है वो आपने बनाई हुई है पर मिलीमीटर, उसका जो है वो क्यूब डायमीटर उसका आप देख रहे हैं, तो उस क्यूब के अंदर कितना जो है वो ब्लड ये ब्लड सेल्स मौजूद होंगे। बेटे जो रेड ब्लड सेल्स हैं मेल्स में इसके नंबर है 4 to 4.5, सॉरी फीमेल्स में 4 to 4.5 मिलियन और मेल्स में 5 से 5.5, जबकि व्हाइट ब्लड सेल्स 7 to 8 थाउजेंड और प्लेटलेट्स जो ब्लड क्लॉटिंग में रोल प्ले करते हैं इनका नॉर्मल नंबर होता है 2,50,000, 2,50,000। स्ट्रक्चर हमने पढ़ा हुआ कि मेच्योर स्टेज में मैमल्स इंक्लूडिंग ह्यूमन इनके रेड ब्लड सेल में न्यूक्लियस मौजूद नहीं होता। जी अहमद बेटा पूछिए। बेटा किसी क्या बात कर रहे हैं आप? सर, व्हाइट ब्लड सेल और प्लेटलेट्स में, प्लेटलेट्स हो जो फीमेल और मेल में सेम होते हैं नंबर में? बेसिकली हाँ, इनका नंबर एवरेज नंबर ऑलमोस्ट सेम ही होता है, मेन डिफरेंस आता है ये रेड ब्लड सेल्स के नंबर में, वो हार्मोन्स हैं कुछ इनकी डिफरेंस की वजह से, जनरल जो है वो फिजियोलॉजी उसकी वेरी करती है मेल फीमेल की, जिस वजह से इनका नंबर वेरी करेगा। व्हाइट ब्लड सेल्स और न्यूक्लिएटेड है, लेकिन प्लेटलेट्स वंस अगेन इनमें कोई प्रॉपर न्यूक्लियस नहीं होगा क्योंकि जस्ट फ्रेगमेंट्स हैं। लाइफ स्पैन देखा जाए कि कितनी देर बाद ये जो है वो रिसाइकल होते हैं, इनका टोटल लाइफ स्पैन कितना है, तो रेड ब्लड सेल्स हैं 120 डेज, और मोनोसाइट्स वगैरह से लेकर आप मेमोरी सेल्स तक देखेंगे इनमें व्हाइट ब्लड सेल्स में तो बहुत ज्यादा वेरिएशन है, रेड ब्लड सेल में 120 डेज है यानी 4 मंथ्स आप कह लें, उसके बाद ये रिसाइकल होते हैं। जबकि थ्रोम्बोसाइट्स इनका लाइफ स्पैन है 7 to 9 डेज, उसके बाद ये रिसाइकल होते रहते हैं। मेन फंक्शन आप पढ़ चुके हैं पहले भी कि रेड ब्लड सेल ट्रांसपोर्ट में, व्हाइट ब्लड सेल्स इम्यूनिटी में, जबकि प्लेटलेट्स ब्लड क्लॉटिंग में रोल प्ले कर रहे होते हैं। ये कुछ क्वेश्चन है पास पेपर से, ये मैं प्रैक्टिस करवाता हूँ आपको। ये ब्लड क्लॉटिंग का प्रोसीजर दिखाया हुआ है कि इंजरी के टाइम पे प्रोथ्रोम्बिन थ्रोम्बिन जो है में कन्वर्ट होगा पहले कैटालिटिक प्रोटीन में, फिर थ्रोम्बिन जो कि कैटालिटिक प्रोटीन है ये एक ब्लड प्लाज्मा में प्रोटीन होती है, प्रोथ्रोम्बिन थ्रोम्बिन ये मिलेंगे आपको प्लेटलेट्स के अंदर, जबकि ब्लड प्लाज्मा में एक प्रोटीन होती है दैट इज फिब्रिनोजन, और फिब्रिनोजन को पहले कन्वर्ट किया जाएगा इस थ्रोम्बिन की एक्टिविटी की वजह से फिब्रिन में, फिर फिब्रिन के क्लॉट्स, जो फिब्रिन है इसके क्लॉट्स मिलकर अल्टीमेटली फिब्रिन और रेड ब्लड सेल्स ये मिलके आप देखें यहाँ पे क्लॉट बना रहे होंगे, यानी रेड ब्लड सेल्स का भी ब्लड क्लॉट बनाने में रोल होगा। इसके अलावा बेटे नेक्स्ट हमारे पास जो पार्ट है दैट इज ये क्वेश्चन है व्हाइट ब्लड सेल से रिलेटेड, कि ऑल ऑफ द फॉलोइंग टाइप्स ऑफ व्हाइट ब्लड सेल्स हैव लोब न्यूक्लियस एक्सेप्ट, तो इसमें आप पढ़ोगे लिम्फोसाइट्स के बारे में इनके शेप्स के हवाले से।